ईवीएम ह्याक प्रसंगे कहिले निर्वाचन कमिशन प्रति निर्वाचन रे ईवीएम को नहीं राजनैतिक दल माने प्रश्न उठाई थांती कही थांती कि ईवीएम ह्याक करा जाए एवं ईवीएम रे दुर्नीति करा जाए निर्वाचन जीता जाए थाए तबे सांबादिक सम्मेलन रे ए संपर्क रे ईसी शेयरिंग माध्यम रे रखिले निजर मत विरोधी को व्यंग कर कटाक्ष करिसंती निज भूल न स्वीकार कर ईवीएम को दोष देले कौन लाभ फलाफल आसीबा परे राजनैतिक दल माने ईवीएम को दायी करी थांती किंतु सबु भोटर को उपरे निर्भर करुछि। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन ईवीएम्स आर 100%। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।